शुरू करते हैं ये एपिसोड हनुमान चालीसा की 17वीं चौपाई को समझने से, जिसमें हनुमान जी के एक और महान कार्य का वर्णन है। ये चौपाई इस प्रकार है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। इसका अर्थ है, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने, इसको सारा संसार जानता है। यह किस्सा कुछ ऐसा है, हनुमान जी समुद्र को लांघ कर जब लंका नगरी पहुंचे तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धरकर पूरी लंका नगरी का मुआयना किया। आज के शब्दों में कहें तो लंका की रेकी की। पूरी लंका में उनको एक ऐसा घर मिला जहां पर तुलसी का पौधा लहरा रहा था और उस घर से भक्ति भाव की एनर्जी बह रही थी। हनुमान जी समझ गए कि जरूर यह किसी सात्विक भक्त का घर है। वो घर रावण के छोटे भाई विभीषण का था। हनुमान जी विभीषण से मिले, उनकी थोड़ी जांच पड़ताल की और उन्होंने पाया कि विभीषण राक्षस कुल के होते हुए भी सात्विक नेचर के हैं। वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, साथ ही प्रभु श्री राम के भक्त हैं। हनुमान जी ने विभीषण को अपना परिचय दिया और विभीषण ने उन्हें माता सीता का पता बताया। हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि उनको अपने दुराचारी भाई रावण का साथ देने के बजाय धर्म और सत्य के रक्षक प्रभु श्री राम जी का साथ देना चाहिए और इस धर्म युद्ध में उनकी सहायता करनी चाहिए। विभीषण हनुमान जी की बात से सहमत हो गए। उन्होंने पहले अपने भाई रावण को समझाने की कोशिश की कि वो भगवान श्री राम से शत्रुता त्याग दें और माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दें, मगर बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना। उल्टा विभीषण को ही धक्के देकर लंका से बाहर निकाल दिया। इसके बाद विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में चले गए और आगे चलकर रावण वध के बाद लंका के राजा बने। विभीषण के राज्य काल में पाप की नगरी लंका में भी राम राज्य स्थापित हुआ। यह सब हनुमान जी के विभीषण को समझाने के कारण ही संभव हुआ। अगली चौपाई इस प्रकार है। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियों ताही मधुर फल जानू। इसका अर्थ है, हजारों मील की दूरी पर स्थित सूर्य को बचपन में ही हनुमान जी ने एक लाल मीठा फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था। यह चमत्कारिक किस्सा कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी जब बहुत छोटे थे तो आकाश में चमकते सूर्य को उन्होंने देखा। वो उन्हें फल के जैसा नजर आया। बाल हनुमान सूर्य की ओर उड़ चले और उसे फल समझकर निगल लिया। ऐसा होते ही पूरे संसार में अंधेरा छा गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची कि सूर्य भगवान खतरे में है। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ हाथ में वज्र लेकर सूर्य की सहायता के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सूर्य देव को मुंह में दबाए खेल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस बालक से सूर्य देव की रक्षा कर सके, पर असफल रहे। इससे उन्हें क्रोध आ गया। इंद्रदेव हनुमान जी की शक्तियों से परिचित भी नहीं थे, न ही उन्हें यह पता था कि वो खुद शिव जी के अवतार हैं। इसीलिए गुस्से में आकर इंद्र ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी पर जोर से चोट लग गई। उनका मुंह खुल गया और सूर्य देव मुंह से बाहर आ गए, लेकिन बाल हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वज्र के प्रहार से उनकी ठोड़ी भी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए उसी दिन से उन्हें हनुमान नाम से पुकारा जाने लगा। जब ये बात पवन देव को पता चली तो उन्होंने क्रोध में अपनी गति रोक ली। सारी दुनिया हवा के बिना मरने को हो गई। पवन देव का क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को स्वस्थ किया, जिसके बाद पवन देव ने वापस हवा का बहाव शुरू किया, जिससे सभी की रुकी हुई सांसें वापस चलना शुरू हुई। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान जी को वरदान और शक्तियां दी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी हानि नहीं होगी। इंद्र ने उनके शरीर को वज्र से भी कठोर होने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने पूरी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। सूर्य ने उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धि का वरदान दिया। वरुण देव ने वरदान दिया कि उन्हें जल से कभी हानि नहीं होगी। इसी तरह अन्य सभी देवी देवताओं ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। हनुमान जी ने कभी भी किसी भी वरदान या शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, हमेशा
उससे प्रभु श्री राम के ही कार्य किए जो धर्म के अनुसार थे। हनुमान जी का ये गुण सभी गुणों से बड़ा है, जो हमें सिखाता है हमें अपनी शक्तियों का हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वो हमारी और संसार के मंगल के काम आती हैं, वरना शक्तियां भी अभिशाप ही बन जाती हैं। आइए अब 19वीं और 20वीं चौपाइयां समझते हैं, जो इस प्रकार है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हरी देते। इसका अर्थ है, आपने प्रभु श्री राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी, जो उन्होंने माता सीता के लिए अपनी निशानी के तौर पर दी थी, उसे मुंह में रखकर एक ही छलांग में समुद्र को लांग लिया। ये काम असंभव था, कोई नहीं कर सकता था, मगर आपने कर दिखाया। और इसमें जरा सा भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, असंभव लगने वाले काम हैं, वो आप आसानी से कर गुजरते हैं, और हम भक्त भी आपकी कृपा से कठिन कामों को आसानी से कर जाते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा भी है कि ऐसा जगत में कौन सा कठिन काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, यानी वो सब कुछ कर सकते हैं। आइए अगली दो चौपाइयां समझते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है, आप श्री राम के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना तो राम के द्वार पर किसी को प्रवेश ही नहीं मिलता, मतलब आपकी कृपा के बिना प्रभु श्री राम जी की कृपा पाना मुश्किल है। हे हनुमान जी, आपकी शरण में सारे सुख हैं, सारे आनंद हैं, आप जिसके रक्षक हैं, उसे फिर किसी बात का डर नहीं रहता, आपका नाम ही निडरता लाता है। जैसा कि चौपाई में आया है, हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम तक नहीं पहुंचा जा सकता। दरअसल इस बात का बहुत गहरा अर्थ है। हनुमान जी प्रतीक हैं निष्काम भक्ति के, निस्वार्थ सेवा के। जब तक हमारी भक्ति शुद्ध नहीं होती, निस्वार्थ नहीं होती, हम में सभी प्राणी मात्र के लिए करुणा और सेवा भाव नहीं जगता, तब तक हमें प्रभु श्री राम की कृपा नहीं मिल सकती, हम ईश्वर को नहीं पा सकते। पहले हमारी सोच और कर्म में हनुमान यानी भक्ति का उतरना जरूरी है, फिर राम की कृपा खुद ही प्राप्त हो जाएगी। भक्ति का दूसरा नाम ही आनंद है। ये ऐसा सुख है जो कभी नहीं घटता, बस बढ़ता ही जाता है। जैसे कोई मिठाई कितनी टेस्टी है, ये उसे खाकर ही जाना जा सकता है, किसी के बताने से पता नहीं चलता। ऐसे ही भक्ति में क्या सुख है, ये तो सिर्फ भक्त बनकर ही जाना जा सकता है। इसलिए दुनियादारी में, गैजेट्स और मनोरंजन में टेम्पररी सुख खोजने के बजाय भक्त बने और हमेशा सुखी रहे। हनुमान चालीसा की 23वीं चौपाई को समझने से, ये चौपाई इस प्रकार है। आपन तेज समहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपका जो तेज है, जो वेग है, उसे बस आप ही संभाल सकते हैं, आपके सिवाय उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई काबू नहीं कर सकता। आपकी तेज गर्जना ऐसी है जिससे ये तीनों लोक कांप जाते हैं। ये तो आपने पहले पढ़ा ही है कि कैसे हनुमान जी को बचपन में सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां, अपनी सिद्धियां दी थी, इसीलिए उनका बल, उनका तेज उन सभी देवी देवताओं या अन्य किसी भी जीव से बहुत ज्यादा है। अगर हनुमान जी को कोई बल से काबू कर सकता है, तो वो खुद हनुमान जी ही हैं। दुनिया में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि उनको काबू कर सके। लंका में भी हनुमान जी जब रावण की सेना के बंधक बने, तो वो खुद अपनी इच्छा से बने थे, क्योंकि उनको रावण के सामने जाना था, उसको प्रभु श्री राम की शक्ति दिखानी थी। और जब उनका ये उद्देश्य पूरा हुआ, तो वो बड़ी ही आसानी से सारे बंधन तोड़कर निकल भागे। हनुमान जी को उनके अलावा अगर कोई और काबू कर सकता है, तो वो है प्रभु श्री राम, लेकिन वो भी बल से नहीं, बल्कि प्रेम से। हनुमान जी सिर्फ एक ही बंधन में बंधे हुए हैं, और वो है प्रभु श्री राम का प्रेम, उनकी भक्ति। हनुमान जी का ये गुण हमें ये भी सिखाता है कि जो काम बल नहीं कर सकता, वो प्रेम कर लेता है। प्रेम ही है जो इंसान को आसानी से झुका देता है। इसलिए किसी को पावर से काबू करने की कभी कोशिश ना करें, सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार करें, सबके प्रति शुभ भावना रखें, करुणा और सम्मान रखें,
फिर आपको किसी पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। हर कोई स्वयं ही खुशी खुशी आपके प्रेम से बंधा रहेगा। अब आइए अगली चौपाई सुनते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है, जहां कहीं भी महावीर हनुमान जी का नाम जपा जाता है, वहां भूत प्रेत पिशाच आदि पास भी नहीं फटकते। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी किसी सुनसान राह से गुजरते हुए किसी अनजानी शक्ति का डर महसूस होने पर ये चौपाई जरूर गुनगुनाई होगी और अपने डर को काबू किया होगा। दरअसल हनुमान जी को प्रेत बाधा से मुक्ति देने वाला देव कहा जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत से हनुमान जी के सिद्ध मंदिर हैं जहां पर प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाई जाती है। वैसे भी हनुमान जी के तो नाम का ही ऐसा प्रताप है जिसको जपने मात्र से इंसान की हर तरह की नेगेटिविटी, उसका डर, निराशा सब दूर हो जाते हैं और खुद को वो सुरक्षित महसूस करता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि हनुमान जी की शक्ति मेरे साथ है, अब कोई भी बुरी शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बस ये विचार ही उसको बहुत मानसिक बल दे देता है और वो अपने हर तरह के डर पर काबू पा लेता है। दूसरी बात, जो इंसान हनुमान जी की भक्ति करता है वो अपने भाव, विचार, आचार, व्यवहार से इतना शुद्ध रहता है कि उनके पास वैसे ही कोई नेगेटिव शक्ति नहीं भटकती। इसीलिए भी वो हर तरह की बुरी शक्तियों, बुरे प्रभावों से दूर रहता है।